हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं। जो हम फर्स्ट चीज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इस चीज की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स करके आपको पता लगेगा कि ये चीज है क्या एक्चुअली। सेकंड में हम थोड़ा बाहर जाएंगे, हमने थोड़ा सा सामान लेना है जो आपको बाहर जाके पता लग जाएगा, एंड बाहर जाते टाइम जिसके बारे में बताऊंगा। थर्डली हम आपका एक क्वेश्चन पिक करेंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से, एंड उसका आंसर करेंगे हम। तो आज यार सबसे पहले हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड इसके पीछे स्टोरी बताते हैं आपको कि हमने लिया क्या है और क्यों लिया है। ये हमारे यूट्यूब का जो हमारे इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड है आइटम। बड़े बॉक्स से निकला एक छोटा सा बॉक्स, एंड इससे हमारी आने वाली वीडियोस में एंड आज की वीडियो में भी हमारी ऑडियो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एक्चुअली ये लेने का मेन रीजन ये था क्योंकि मेरे को काफी कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू माइक। ये देखो, ये सारे कमेंट्स है जो मेरे को आए कि अपनी साउंड क्वालिटी इंप्रूव करो, वॉइस इंप्रूव करो। तो मैंने थोड़ा वेट करा, 1-2 वीक का वेट करा, एंड मेरा इन नेक्स्ट मंथ प्लान है कि मैं इंडिया जाऊं। तो मैं पहले सोच रहा था कि इंडिया जाके ले लूंगा, बट जब मेरे को काफ़ी जनों के मैसेज आने लगे, काफ़ी लोगों ने सेम कमेंट करा, तो मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, एंड आई थॉट कि मेरे को जल्दी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। सो इस माइक को अनबॉक्स करते हैं एंड इसको प्लग कर लेते हैं अपने GoPro के साथ। अरे यार, काफ़ी मैंने ट्राई करके देखा कि ये माइक चल जाए, बट ये जो ट्रांसमीटर है ना, ये ऑन ही नहीं हो रहा। ये देखो, यहाँ पर नॉर्मली लाइट आनी चाहिए, बट ये ऑन ही नहीं हो रहा। ये नॉर्मल अभी इसके अंदर ना एक वायर वाला माइक था, वो लगा के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। आई डोंट नो कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी, बट नॉर्मल जो ऑडियो क्वालिटी है उससे तो बेहतर होगी ये वाले माइक की ऑडियो क्वालिटी। इसको भी रख देते हैं टेबल में, एंड ये देखो यहाँ पर ये रिसीवर ऑन हो रहा है, इसके ऊपर लाइट आ रही है ना, तो मतलब ये ऑन हो गया। एंड ये नहीं ऑन हो रहा ट्रांसमीटर। इसके थ्रू मेन ये वाला डिवाइस है जिसमें से आवाज़ जाएगी रिसीवर में, एंड फिर हमारी ऑडियो क्वालिटी बेटर होगी। तो मैंने अभी काफ़ी सर्च करा यार, ऑनलाइन लैपटॉप लेके बैठा हुआ था अराउंड 1-2 घंटों से, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिला। तो मैं फाइनली ये वाले जो हेडफोन है, ये वाले जो मैंने माइक लिया था, इसको रिटर्न करूँगा, एंड देखते हैं आपको ही अच्छा माइक लूँगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वाला माइक मैं ऑर्डर कर दूँ। तो चलो यार, इसी के साथ अभी बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को घर पर भी। बाहर से मैंने थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, उसके बारे में बता देता हूँ, बट पहले ये वाला टेबल का सामान एक साइड पर करते हैं। एंड एक चीज़ लेके आनी है मैंने, वो लेके आता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या लेने जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स। इसके अंदर सारी हमारी दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, एंड इसमें से हमने निकालना है ये एंड ये। तो ये दो चीज़ें हैं, हमारा थर्मामीटर, ये है रियॉन का थर्मामीटर, ये है थर्मामीटर जो मैं और समृति यूज़ करते हैं। यार इसके ना सेल अभी बाहर से लेके आने हैं, इसके सेल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इसके अंदर बैटरी नहीं है, तो हम अभी इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। इवन रियॉन वाला जो थर्मामीटर है इसको भी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसके सेल लेके आने हैं। बट एक बार ही देख लेते हैं इसको खोल के कि इसके अंदर कौन से टाइप के सेल डलते हैं। ये रहा मेरा टूल बॉक्स, इसके अंदर है ये पेचकस, एंड अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के यहाँ पर वो पड़े हुए हैं, पेच पड़े हुए हैं। एंड इसको डाल के हम अभी इस जो रियॉन वाला थर्मामीटर है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखो पीछे से ऐसा है, तो ये हमने खोल लिया यार। इसके पीछे ये वाला छोटा सा नट लगा हुआ था, ये वाला नट लगा हुआ था, ये हमने खोल लिया है। एंड अभी पीछे इसको यहाँ से ओपन करके ये वाला सेल है जो इसके अंदर डला हुआ है, ये हम अभी बाहर से जाके लेके आ जाएंगे। अब इसको बाहर निकालने की भी तो दिक्कत है ना, अभी पीछे से रियॉन भी शरारतें कर रहा है। चलो दूसरे वाला भी खोल लेते हैं, ये वाला दूसरा थर्मामीटर है, इसका भी यहाँ से निकलेगा सेल। इसके अंदर छोटे वाला सेल डालेगा। तो एक तो ये वाला सेल है जो लेके आना है, एंड दूसरा सेल है ये वाला बड़े वाला। ये दो सेल लेके आने हैं हमने बाहर से, इसको रख लेते हैं पॉकेट में, एंड बाहर चलते हैं सेल लेने। एंड सेल लेके आते हैं, थर्मामीटर चार्ज करते हैं, एंड जो हमारा सामान है उसको भी वापस करना है, जो माइक आया है उसको भी वापस करना है, बट वो वापस करेंगे हम कल।
या जो हमने दो सेल लेने थे वो हमें मिल चुके हैं, एंड अभी हम चलते हैं घर वापस, एंड आपको मैं घर जाके आपके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर करता हूँ। सो लेट्स गो। एक्चुअली ना मेरा प्लान था कि मैं आपको कल कोई न्यू जगह पे लेके जाऊँ, कोई न्यू इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊँ जापान के बारे में, बट बिकॉज अभी माइक वगैरह नहीं है हमारे पास प्रॉपर, तो बाहर तो नहीं लेके जा पाएंगे आपको। सो मैं कोशिश करूंगा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो कल आपके लिए बना के अपलोड करूँ। तो चलो यार इसी के साथ हम अपना एक क्वेश्चन लेते हैं। कोशिश करा करो जब आप कोई क्वेश्चन डाल रहे हो ना तो उसके आगे #Q&A लिख दिया करो, ताकि मेरे को थोड़ा क्वेश्चन वगैरह ढूंढने में आसानी होए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी लोग पूछते हैं सेम ही क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है कि यार जापान आने के लिए कितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊँ तो ब्रो मैं जापनीज सीख रहा हूँ बेसिक से, तो प्लीज़ बताओ ना कितना टाइम लगेगा एंटू तक पहुँचने में। तो यार एंटू तक पहुँचने के लिए नॉर्मली आपको 2 साल तक लग जाएंगे, और ये भी बता दीजिएगा कि बैंक में कितने अमाउंट तक होना चाहिए वीज़ा पाने के लिए। प्लीज़ ब्रदर आई लिटरली नीड हेल्प, एंड प्लीज़ कोई चैनल बता दीजिए जिससे मैं जल्दी से पढ़ सकूं N2 प्लीज़ भैया। यार मैंने पर्सनली अपना जापनी जो थी वो मैंने ऑनलाइन नहीं सीखी थी, बट जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मैं गूगल पे सर्च करके जो बेसिक जैसे काउंटिंग नंबर्स वगैरह होती है हीरागाना काटाकाना स्टार्टिंग में कांजीज वगैरह या बेसिक सर्वाइवल जापनीज वो मैंने ऑनलाइन सीख ली थी गूगल से सर्च करके कोई वेबसाइट पे जाके। बट अगर आप प्रॉपर जापनीज सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके लिखो लर्न जापनीज, एंड वहाँ जाके देखो कौन सा चैनल अच्छा है। एंड आजकल काफ़ी लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई होती है अपने चैनल पे जहाँ से आप बिगनिंग से लेके N1 लेवल तक जापनीज सीख सकते हो। ऐसा कोई चैनल ढूंढने की कोशिश करो एंड ऐसी कोई प्लेलिस्ट ढूंढो ताकि आपकी जापनीज की लर्निंग फास्ट हो। एंड जब नॉर्मली आप देख के कोई वीडियो देख के सीखोगे ना तो नॉर्मली बंदा जल्दी सीखता है, तो आई विल रिकमेंड यू अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके कोई प्लेलिस्ट सर्च करो। तो इसी के साथ आते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, जो कि था बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो यार आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ये डिपेंड करेगा कि जहाँ से आप स्टडी करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस कितनी है, आपको स्कॉलरशिप कितनी लगी है, एंड आपको पर ईयर कितने पैसे देने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको वहाँ पर आधी स्टडी करने के लिए पैसे जितने लगने हैं उस इंस्टीट्यूट में उतने आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, ताकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो मतलब कि जापान एम्बेसी वालों को ये चीज़ पता लग जाए कि इन फ्यूचर अगर आप जापान आते हो तो आप अपनी स्टडी एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, आपको स्टडी एक्सपेंसेस के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फ़ीस है 10 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 6 to 7 lakh इंडियन रुपीज़ हैं तो आपका वीज़ा लग जाना चाहिए। बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर आप स्टडी करने जा रहे हैं उनसे एक बड़ी चीज़ ये ज़रूर कंफर्म करें कि हमारे जो बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो आपको बेस्ट सजेशन देंगे। बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है, अगर हो सके तो वो फुल फीस है ना जितना वो कोर्स की फुल फीस है अगर उतने पैसे आपके अकाउंट में हुए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यार दिस वाज द आंसर रिलेटेड टू कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जापान या फिर कोई सजेशन है हमारे लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर्सनली कि जो भी आप सजेशन वगैरह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक की आपने सजेशन दी थी तो हमने माइक खरीदा, बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चला, आगे आने वाले टाइम में नया माइक आएगा तो वो अच्छे से चलेगा, तो उसकी टेंशन ना लो, हमारी वीडियो की क्वालिटी आने वाले टाइम में इंप्रूव ही होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ वीडियो अपलोड करें। नॉर्मली इंडिया के 6 PM to 9 PM के बीच में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मॉर्निंग में मेरा होता है काम, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह करके डालता हूँ, तो रात के 10-11 बज जाते हैं यहाँ पर जापान में, मतलब कि इंडिया के 6 to 9 के बीच में टाइम हो जाता है, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करना भी प्रॉपर टाइमिंग वगैरह नहीं बन पा रही है। इन फ्यूचर आगे आने वाले 1-2 weeks में कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एक टाइम स्लॉट लेके उस पर वीडियो अपलोड करूं, बट अभी का टाइम स्लॉट ये है 6 to 9 PM इंडिया का टाइम। नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको पता लग जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।